प्रोफेसर सब आ गए हैं माशाल्लाह, पीएचडी प्रोफेसर, और ये आए डीएल खान से, इनका बच्चा और सिस्टर बच्चा प्लस इनका ब्रदर इन लॉ, वो भी हमारे स्कूल से पढ़ के गया और माशाल्लाह मैट्रिक कर लिया, उसे मैट्रिक कर लिया, और इनका एक ऑटिस्टिक बच्चा है, खुद पीएचडी स्कॉलर है, और अगेन सर आपकी तरह ट्रांसफर हो गई है, फिर बड़ा मुश्किल और बड़ा मतलब सेक्रेटरी तक हम गए, यही है सर। क्या कहते हैं स्कूल के साथ, क्या 5 साल हो गए स्कूल के साथ? तकरीबन 5-4 साल हो गए। जब मैं डीएल खान से यहाँ पर आया तो आर्टिज़म एक कंडीशन है, सबको पता है, इवन के हमें पता भी नहीं था कि आर्टिज़म की कोई कोई बीमारी होती है या उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या उसके काबिल होते हैं। यहाँ पर आए, इकबाल साहब से मिले, बच्चे को हमने दिखाया, एंड आई एम रियली रियली मच टू मच सेटिस्फाइड। और सब बैठे हुए, मैं ये समझता हूँ कि सर इरफान इज द मून इन बिटवीन ऑफ द स्काई, इन बिटवीन ऑफ द स्काई, ये चांद की मानते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं। अगर मैं इस बच्चे को देखूँ, ये जीरो पे था, बिल्कुल जीरो पे था, ये उठना बैठना डिस्टर्बेंस हाइपर एक्टिव था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक ये बेहतर हो चुका है कि तकरीबन ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। और ये सारी इसकी जितनी भी मदद पे करना है, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है, इन सब में हमारा भी हिस्सा है, पेरेंट्स से, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ जितनी इरफान साहब ने, और स्पेशली इरफान साहब की जो वाइफ है, इरफान साहब जो मिसेज है, जो मैडम है, उन्होंने स्पेशली इस पर मेहनत की है। और मैं ये समझता हूँ कि इरफान साहब जो हैं वो रोल मॉडल हैं इन तमाम टीचर्स के लिए जो इस टाइप का इदारा चला रहे हैं। और इरफान साहब का इदारा है बिल्कुल, चूँकि ये इरफान साहब की अपनी ज़ाती मेहनत है, ये एक प्राइवेट इदारा है, और इरफान साहब इसको अपनी पसंद के बेस्टी में चला रहे हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और इनके इदारे को मज़ीद बेहतर से